नमस्कार दोस्तों, डीजे अपडेट में आपका स्वागत है और आपके लिए लेके आऊँ ए प्लस का फुल विजिट जो कि दिल्ली एक्सपो का है ये। और जो भी नया आइटम आया दोस्तों, नया बोले तो प्रेशर मेड है ना, और भी स्पीकर वगैरह 21 इंच वगैरह, उसका वीडियो बनाया दोस्तों मैंने ये। और ये आपका कोएक्सल ए प्लस की तरफ से 150 वाट मिड है और 80 वाट HF लगा हुआ दोस्तों। काफ़ी शानदार प्रीमियम लुक दिख रहा है, हालांकि मुझे लगता है कि इम्पोर्टेड ही है ना। बाकी ज़्यादातर कंपनी क्या कर रही हैं कि अपनी अपनी चिट लगा रही हैं और चिपका रही हैं, हालांकि कह नहीं सकते हैं कौन किसकी चिपका रहा है। बाकी शानदार फिनिशिंग वगैरह, शानदार क्वालिटी है ना। कोएक्सल है, 150 वाट मिड लगा हुआ है और HF लगाया 80 वाट का, ठीक है। 2 इंची थ्रोड है और M4 होल वाले साइज है ना। बाकी क्वालिटी ज़बरदस्त है दोस्तों। और एक छोटा सा निवेदन है, लाइक और सब्सक्राइब जरूर ठोक दें, ठीक है। और फिर आता है 400 वाट प्रेशर मीट, ए प्लस की तरफ से 400 वाट प्रेशर मीट है दोस्तों ये। और 2 इंची थ्रोड रहता है इसका, डबल डायफ्रेम रहते हैं इसमें, हालांकि डायफ्रेम काफ़ी महंगा रहता है। अभी फिलहाल में 8-9 हज़ार रुपये के आसपास का डायफ्रेम आ रहा है 2 इंची थ्रोड में। M4 वही होल जो दिए हैं 4 वाले, वही लगा हुआ है। न्यूडीनियम रहने वाला है दोस्तों ये। दो तरह के इसमें डायफ्रेम रहते हैं, एक ही उसमें है ना, ऐसा कैसा कटोरा आता है इसका, कटोरा बोले तो मतलब इसका जो डायफ्रेम है। क्वालिटी तो ज़बरदस्त दिख रही है दोस्तों, जैसे कि दूसरे अदर मॉडल में सेम वही क्वालिटी है ना। बाकी तो ये समझ लीजिए आप, इम्पोर्टेड ही है ये भी आइटम, ए प्लस का वो लगा हुआ है, ठीक है। और एक ये आपने देखा होगा 1000 वाट का एक 15 इंची आया दोस्तों, और ये काफ़ी मैसिव साइज, मतलब इसका जो मैग्नेट दिया हुआ कुछ ज़्यादा ही बड़ा दे दिया पुराने मॉडल जितने भी हैं, है ना। और काफ़ी मोटा ही साइज़ दी हुई है, लुक थोड़ा चेंज दिया है। हालांकि किसी किसी ने जिसने चलाया हो कमेंट जरूर करें कौन ने चलाया इसको, ठीक है। बाकी प्रीमियम है, ऊपर जो स्टिकर लगे हैं वो थोड़े अलग डिफरेंट है ना, चिपका चिपके वो जो है। हालांकि ए प्लस को ग्रेड भी बताना चाहिए भाई कि कौन से ग्रेड का मैग्नेट लगा हुआ है, हाई ग्रेड लिखने से हाई ग्रेड नहीं हो जाता भाई। ग्रेड की कैटेगरी बताना चाहिए भाई, कौन सी कैटेगरी का है, जैसे ही अदर कंपनी बताती है भाई कि कौन सी कैटेगरी का इसमें मटेरियल लगा हुआ है इस टाइप का। और ये रहा 21 इंच दोस्तों, जो कि 21 इंच में है, ठीक है। और इसका डेमो भी लगा हुआ है दोस्तों, बाहर लगा था, उसका भी वीडियो डला हुआ है। बहुत शानदार प्रीमियम लुक दिख रहा है दोस्तों इस बार का। और कैबिनेट इस बार इन्हें चेंज करा हुआ है, ठीक है। डबल स्पाइडर में एलंकी फिटेड है स्पाइडर, जेली दिख रहा है स्पाइडर। बाकी क्रोम मॉडल ऊपर लगा हुआ है, क्रोम है ऊपर, ठीक है। प्रीमियम है, 2500 वाट इसमें, 8 ओम्स पे 2500 वाट दिया हुआ कंपनी ने। बाकी 400 वाट 12 इंची में, 400 AMB मॉडल आया ये नया वाला, काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा देखने में। मैग्नेट वगैरह भी काफ़ी मोटी दी हुई है। बाकी रंग जो है, कलर जो दिया हुआ थोड़ा सा डिफरेंट दिया हुआ है, ब्लैक कलर ना दिया हुआ उन्होंने, ठीक है। ए प्लस भी काफ़ी सारे जो प्रोडक्ट है नए लॉन्च कर रहे हैं दोस्तों इनने, कम से कम ये समझ लिए 7-8-10 के आसपास 10-1 मॉडल इनने नए नए लॉन्च कर रहे हैं इस बार। बाकी का कॉर्बन मॉडल तो पुराना आता ही था, ये लिगेंड मॉडल है, ये भी पुराना है 12 इंची में, ठीक है। न्यूडीनियम ये आया हुआ है, आपने देखा ही होगा, इसका वीडियो डला हुआ है, शॉर्ट वीडियो भी डला हुआ है। बाकी 15 इंची में 400 वाट आ गया दोस्तों। ब्लू लिगेंड भी पुराना मॉडल है इसका, ब्लू लिगेंड भी काफ़ी फेमस था इसका मॉडल, जिस जो लोग चलाते हैं जिनको पता है, ठीक है। बाकी कार्बन, ब्लू लिगेंड, ब्लैक लिगेंड है ना, सारे लिगेंड ही लिगेंड, जितने भी लिगेंड आते हैं साले ए प्लस में सारे लिगेंड लिगेंड मिलेंगे आपको, ठीक है। यह भी ब्लैक लिगेंड है, 450 वाट का स्पीकर रहता है ये। देखिए पैसा ही सब मायने रखता है, पैसा जो है, कम पैसे में आप बढ़िया क्वालिटी यदि चाहिए हो तो ए प्लस में जा सकते हैं हम, ठीक है। ये 12 इंची का निडनीम आया दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेड लग रहा है देखने को तो, है ना। बहुत ही हल्का वजन दिया हुआ है, स्पाइडर कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है, जेली नहीं है इसमें, है ना। बाकी ये ब्लू लेगेंड रखा, ये भी आपका 18 इंच पुराने ही वाला मॉडल है। और 1850 LF 1850, ये भी काफ़ी फेमस हुआ इसका मॉडल, बहुत सारे लोग चला रहे हैं इसको, है ना। बाकी कोएक्सल आ गया आपका डबल से, 150 वाट और 80 वाट वही वाला मॉडल है। HF की रेंज बहुत शानदार है इनके पास, 400 वाट प्रेशर मीट, 30 वाट से लेके तो आपको 400 वाट तक के प्रेशर मीट वगैरह सब मिल जाएंगे इनके पास। नेटवर्क रेंज बहुत शानदार है इनका, 44-40 एक मॉडल आता है इनका जो कि काफ़ी फेमस है। बाकी 750 भी बहुत शानदार क्वालिटी देता है इनका, कंपाउंड्स वगैरह बहुत शानदार लगे देते हैं, लेकिन इनका सबसे ज़्यादा फेमस मॉडल जो है 44-40 वाला मॉडल रहता है, काफ़ी लोग चलाते हैं इसको। बाकी बेस के लिए भी इनके पास नेटवर्क है, नेटवर्क रेंज शानदार रखा हुआ था। 21 इंच का जो नया वाला पैटर्न आया दोस्तों, ये वो यारा है, अंदर स्पीकर इस टाइप का लगा हुआ है, कर्व में बिल्कुल जुड़ा हुआ,
बाकी कैबिनेट की डिज़ाइन वगैरह वो शानदार दी हुई है। और नए मॉडल में दोस्तों ये दो एम्पलीफायर आए हैं BX 8000, जो कि 21 इंच चलाने के लिए रहा है ना। और इसी एम्पलीफायर से बाहर का आउटडोर भी चल रहा था। और चार चैनल आ गया दोस्तों VA Hood 6000 मॉडल करके, जो कि लगभग TD क्लास में है। ये D क्लास में नहीं लग रहा मुझे, हालांकि मैं कंपनी से बात करूंगा कौन सी क्लास में है ये, बाकी ये TD क्लास में है ना। नीचे वाला तो जो है एम्पलीफायर वो भी TD क्लास में लग रहा है। न्यू मॉडल निकाले ने, ये देखिए आप, पीछे स्पीकर वगैरह सब निकले पड़े हैं। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ अगली वीडियो में। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, है ना, शेयर कर दें तो और भी अच्छी बात है, और नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं भैया, वो आपकी इच्छा है। मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।